आज मैं आपके लिए लाई हूँ कटहल की एकदम स्वादिष्ट और मसालेदार सब्जी की रेसिपी। इसको बनाना बेहद आसान है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है कटहल, जिसे मैंने इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसे उबाल लेंगे। तो उबालने के लिए एक बर्तन में पानी लें, उसमें डालें नमक और हल्की सी हल्दी और इस पानी को अच्छे से उबलने दें और उसके बाद इसमें डाल दें ये कटहल। तो कटहल को हम पहले एक सीटी लगा लेंगे ताकि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, इससे जो है इसका फ्लेवर और अच्छा आता है। तो बस अब हम इसको डाल देंगे और कुकर बंद करके एक सीटी मीडियम फ्लेम पर लगा लेंगे। तो ये एक सीटी बाद कुकर जो है ठंडा हो चुका है और अब हम देखते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से उबल चुका है, तो इसको स्ट्रेन कर लेंगे और स्ट्रेन करके इसको पोंछने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करें। तो कुछ देर हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि जो हल्का सा इसमें ना गोल्डन सी शेड आ जाए। इसको निकाल लेंगे प्लेट में और इसका तेल जो है हल्का सा कम कर लेंगे। तेल में डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसपे तेज पत्ता, साबुत काली मिर्च, लौंग और जीरा मैंने लिया है। साथ के साथ एक छोटी इलायची भी ले ली है, इससे जो है फ्लेवर अच्छा आता है। इसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। तो मीडियम फ्लेम पर इसको भूने, नहीं तो लहसुन जल जाएगा। तो कुछ देर बाद जो लहसुन है वो हल्का सा गोल्डन होने लग जाएगा। उसके बाद आपको इसमें डालना है प्याज। तो प्याज को मैंने यहाँ पर लंबाई में काट कर डाला है। तो प्याज डालने के बाद इसको कुछ देर मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सबको एक साथ भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। प्याज को हल्का सा भूनने के बाद इसमें डाल देंगे टमाटर। तो 2 से 3 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने काट करके डाला है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को भी ज्यादा नहीं भुना है। दोनों को अब हम क्या करेंगे ना, एक साथ ही इसको मिक्स कर लेंगे, टमाटर और प्याज को, और उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पर ढक करके सॉफ्ट होने देंगे दोनों को। इससे जो है आपका टाइम भी जो है कम लगता है और ये सब्जी अच्छी भी बन जाती है। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे दोनों सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें डालेंगे हल्की सी हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसी के साथ डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, साथ के साथ 1 टेबलस्पून देगी लाल मिर्च कलर के लिए, जिससे कलर जो है काफ़ी खिल के आएगा। हल्की सी कस्तूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे और इन सारे मसालों को कुछ देर मीडियम फ्लेम पर जो है अच्छे से भून लेंगे। तो ये आप देख सकते हो टमाटर और प्याज भी बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है मिक्स हो चुके हैं। तो ये देखिए, तो अब हम इसमें डालेंगे ये पानी। तो ये जो पानी है ये वो पानी है जिसमें हमने कटहल को बॉयल किया था। बस पानी डालने के बाद इसमें ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे और जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद इसमें डाल देंगे ये फ्राई किए हुए कटहल। तो आप चाहे तो कुकर में भी इसको बना करके एक सीटी में पका सकते हैं, बट मैं इसको इसी तरीके से पका रही हूँ खुला, क्योंकि कुकर में जो है इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आता। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसको ढक करके 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो 3 से 4 मिनट बाद ये देखिए हमारी जो सब्जी है बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, इसका टेस्ट आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस धनिया पत्ती से इसको गार्निश कर देंगे और ये हमारी गर्मा गर्म मसालेदार जो कटहल की सब्जी है ना बन करके तैयार हो गई है।